नमस्कार, स्वागत है आपका डीबीएन न्यूज में। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। अब आइए आज की बड़ी खबरों पे डालते हैं एक नजर। नीतीश कुमार किस सुशासन की बात कर रहे हैं? इस्तीफा देना चाहिए उनको। मैं विपक्ष से यह जानना चाहता हूँ कि इस मामले के उद्भेदन अनुसंधान में उनकी भूमिका, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई और राज्य सरकार ने बाल सुधार गृह के कार्यकलाप की जांच के लिए एजेंसी बनाया, उसकी रिपोर्ट में जब यह बात आई, FIR हुआ और 72 घंटे के अंदर 10 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। जिन लोगों ने यह सामाजिक कुकृत्य किया है, NGO चलाने वाले लोग, वैसे कानून के जद में और न्यायपालिका ने तमाम तथ्यों को प्रतिवेदित किया। मेडिकल बोर्ड मुजफ्फरपुर से नहीं, PMCH से मेडिकल बोर्ड करवाया राज्य सरकार। तो पूरी गंभीरता से इसलिए हम विपक्ष से यह जानना चाहते हैं कि आपने इस मामले के उद्भेदन में अपनी क्या भूमिका अदा की, अनुसंधान में आपका क्या सलाह है, यह बताइए ना। ये आपके सुशासन पे वो सवाल उठा रहे हैं। देखिए, अब घटनाएं हो गई, हमने इसको छिपाया नहीं, हमने ही उद्भेदन किया, हमने ही अनुसंधान किया, जेल की सलाखों तक पहुँचाया। अब सवाल विपक्ष को उठाने का जो नज़रिया है, तो नज़रिया बदलें और अनुसंधान ऐसे मामले, संवेदनशील मामले में आपका जो क्रियाकलाप रहा है वो बिहार की जनता जानती है। बिहार को आप ही लोग, जैसे TV वाले लोग, प्रिंट मीडिया वाले लोग बहुत बड़ा का तिस्मार खा मुख्यमंत्री को समझते थे। ये मुख्यमंत्री जितना नकारा मुख्यमंत्री हैं, शायद देश और दुनिया में इस तरह का नकारा मुख्यमंत्री कोई नहीं होगा। और ये विज्ञापन देकर, और सरकार केवल चला रही है, विज्ञापनों की ये सरकार है, और इनके राजमिनी ठाड़ी जैसे कांड हो रहे हैं मुजफ्फरपुर में और कई जिले में हो रहे हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर पकड़ा गया है। और इस राज्य में जिस तरह से नौटंकी कर ये सरकार चलाई जा रही है, और इनके संरक्षण में जो संस्था देखरेख कर रही थी बालगिरी सुधारगिरी को, उनके नीतीश कुमार जी के काफ़ी वो करीबी लोग हैं और उनके चुनाव में ये लोग साथ रहे हैं, उनके प्रचार में भी गए हैं। और ये नीतीश कुमार जी केवल ऐना लोगों को दिखा रहे हैं, इस राज्य में कोई सुरक्षित नहीं है, हर आदमी अपने आप को असुरक्षित समझ रहा है। TND एकेडमी पोहद्दी बेला घनश्यामपुर दरभंगा, सर्व शिक्षा अभियान द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। वैसे मेधावी छात्र छात्राओं के लिए जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं, उनकी पढ़ाई के लिए निःशुल्क व्यवस्था, प्रति वर्ष सभी वर्गों के बच्चों के लिए स्थापना दिवस 9 जनवरी से सरस्वती पूजा तक नामांकन में विशेष छूट दी जाती है। यहाँ नर्सरी से वर्ग 8 तक की पढ़ाई की उत्तम व्यवस्था, कंप्यूटर लैब एवं विज्ञान प्रयोगशाला, 20 शिक्षकों के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था एवं बच्चों को घर से लाने एवं ले जाने के लिए वाहन की सुविधा, कॉमन क्लास उर्दू एवं संस्कृत की व्यवस्था, जहां नामांकन प्रारंभ है।